नमस्कार, बुंदेली हलचल .com में आपका स्वागत है। इस समय हम अभी हैं जैसी नगर में, जहां अभी अभी कमलनाथ जी की सभा समाप्त हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हम आज ये बात करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रहलाद पटेल जी, जो कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं सर। अभी सभा हुई है, क्या प्रभाव रहेगा सभा का? आज सभा में लगभग 25 से 30 हज़ार लोग आए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारे मीडिया ने देखा है। और ये भीड़ बुलाई हुई है, बुलाई हुई नहीं आई हुई भीड़ है, बिना बुलाई भीड़ आई हुई है। कई लोग तो ऐसे आए हैं कि हमें तो कमलनाथ जी को देखना है, पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और लोकतंत्र को बचाना है। आज जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो 5 साल के लिए जिनके लिए चुना था, उनने 1.5 वर्ष में ही हम लोगों का साथ छोड़ दिया है। और जनता का मत ही नहीं, पूरा बहुमत है कि हम पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और पारो साहू जी को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। चुनाव टक्कर का है, क्या कहना चाहिए? चुनाव टक्कर को नहीं, महाटक्कर को है। मनोज जावाद भी आप पक्की सुन ले कि सुर्खी की जनता ने सुर्खी की बिटिया को आशीर्वाद दे दाओ। चुनाव से जीत रहे हैं, क्या है? हमें तो ये खुशी ये हुई, अब कांग्रेस ही है। हम तो साफ पूरी हमारी 75 साल की उम्र में 60 साल से कांग्रेस का हमने जो काम किया, हमने दूसरी पार्टी को देखा ही नहीं, मुड़ के किसी तरफ नहीं है। और पहली बार हमको इस उम्र में कांग्रेस ने सम्मान दिया, सेवा दल की जब सम्मान की बेउ थी, मतलब इतनी कांग्रेस पहली हमें सम्मान मिला। हम नहीं तो मंचों पर चढ़ते ही नहीं हैं, हम तो ये केवल पहला। इस बार अधिकारों की लड़ाई है और कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। बिल्कुल, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक पारदीली का नाम रहेगा, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत सही पार्टी है, जो गद्दारों ने लोकतंत्र की हत्या की है। इस हत्या को सारे वोटर, इसका जवाब गोविंद सिंह राजपूत को देगी। कमलनाथ जी की सभा के बाद जनता में काफ़ी जोश है, एवं कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि काफ़ी अच्छा रुझान रहेगा, एवं जनता की काफ़ी भीड़ थी कुछ। और हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आया, ये बात करते हैं भैया। जी भैया, मोती पटेल के बारे में बोलिए, कैसा प्रभाव रहेगा? आज से की सभा बड़ी ऐतिहासिक सभा रही, और यहाँ पर ये भीड़ जुटाई हुई नहीं है, वास्तव में स्वेच्छा से यहाँ जनता आई है। और ये 500 रुपये और 200 रुपये वाली जनता नहीं थी, ये स्वेच्छा से जनता आई है यहाँ पे। जो जन सैलाव हुआ था, आज तक यहाँ पे इतना जन सैलाव एकत्रित नहीं हुआ, ये माननीय कमलनाथ जी की लोकप्रियता है। जी भाई, प्रदेश सचिव जी विनोद जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। देखो भैया हरो, कांग्रेस हो गई इन गद्दारों से फ्री, अब अपन को बारी है इस सुर्खी को आज़ाद करवावे की। पूरे जो जन समुदाय आप और देख रहे हो कि का स्थिति बन के रह गई है, कम से कम 50,000 वोटों से पारुल साहू जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है सुर्खी विधानसभा में। भैया का कहना है पारुल साहू जी 50,000 मतों से जीत रही हैं। और सुर्खी से ब्लॉक अध्यक्ष बीरेन लोधी जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। भैया, स्थिति तो गोविंद सिंह की ऐसी हो गई है जैसी मतलब एक मगरमच्छ होते है, अगर वो रेत में आ जावे तो तड़फड़ा रहा हो, तो ऐसा हमारे सूर्य की विधानसभा तड़फड़ा रहा हो, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। दिखावा जरूर नहीं दिख रहा है, झंडा बैनर नहीं दिख रहे हैं, एक ही बात घर घर से मतलब भारी बहुमत से पारुल साहू जीत रही हैं 100%। मतलब गोविंद सिंह बहुत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। महिला शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, मैं प्रमिला सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जी। मैम, सभा हुई, क्या कहना चाहिए, क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, सभा जो जैसी हुई आपने देखी है, और ये निश्चित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है, क्योंकि आक्रोश है लोगों में। और लगातार हम लोग 3 महीने से क्षेत्र में हैं, हम लोग को तो शुरू से ये पता था कि कांग्रेस जो हुआ है इस प्रदेश में वो किसी को मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि कमलनाथ की सरकार इतने जल्दी जाती, क्योंकि जो कमलनाथ जी कर रहे थे वो इस प्रदेश के लिए और इस प्रदेश की जनता के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, और सब लोग चाहते थे कुछ ना कुछ नया हो, और इसलिए कांग्रेस की सरकार बनाई थी और वो बीच में गिराई गई। इससे जनता बहुत आक्रोशित है, और जनता का मूड शुरू से ही है कि इस बार इन लोगों को जिनने ये गद्दारी की है उनको सबक जरूर सिखाएं।
महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? महिलाओं के लिए कमलनाथ जी ने जो अपना 15 महीने का कार्यकाल था उसमें बहुत कुछ किया है, जैसे कि कन्या राशि 51,000 कर दी थी और महिला सुरक्षा के लिए भी बहुत से नियम बनाए थे, और जो वृद्धावस्था होती है उसमें भी बहुत फायदा हुआ है लोगों को। वो सबसे बड़ा महिला को टिकट दे के ही महिला शक्ति को बुलंद किया है कमलनाथ जी ने इधर से। अब हम लोग कुछ भी है जो अपने मन की बात है या विधायक जी से बोल के और अपने लिए कुछ करवा सकते हैं। पारुल दीदी के साथ मैंने बहुत गांव में दौरे कर रहे हैं तो पारुल दीदी ही जीतेंगी, सुनिश्चित है जीत सुरखी विधानसभा की। आप सामने देख सकते हैं कि निकलने को लोगों को जगह नहीं बन रही है। हम लोग भी इसलिए रुके हैं कि थोड़ी सी जनता जो इतनी आई थी इतनी तादाद में, अपने खुद के किराए की जनता नहीं थी, ये स्वयं खुद अपने मन से आई हुई जनता थी, और वो सब जनता अब जा रही है। तो बस अब थोड़ी देर बाद हम लोग को, हमें लग रहा आधा घंटा लगेगा जब तक गाड़ियाँ निकलने की, तभी निकल पाएंगी, नहीं तो अभी तो मुश्किल लग रहा है। टक्कर का मुकाबला है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से तो एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस का जो माहौल है सिर्फ सुर्खी नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। आप निश्चिंत ही, कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है और पारुल दीदी तो जीत ही रही हैं 10,000 प्लस से। आरंभ पब्लिक स्कूल कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, मोबाइल नंबर है 9285530266। हमारा पता है गोविंद नगर कॉलोनी के पास, सीट फॉर्म भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।